द यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग स्टडीज UPES अपने तरह का इंडिया में एकमात्र इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गिनाया जाता है। साल 2003 में उत्तराखंड के देहरादून में एस्टैब्लिश्ड UPES पढ़ाई के अलावा अपने वर्ल्ड क्लास एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे UPES के बिधोली कैंपस के टूर पे और बताएंगे आपको इसके इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे इसकी फैसिलिटीज, कोर्सेज, फीस, हॉस्टल फीस, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट्स और एडमिशन प्रोसीजर्स। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डोंट मिस आउट ऑन एनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मेंटर सेल के थ्रू स्टूडेंट कई कॉलेजेस में एक अच्छी ब्रांच की सीट सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो एंड डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, जिस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। UPES का कैंपस नॉर्दर्न हिमालयस के शिवालिक रेंज में बसे देहरादून शहर के बिधोली एरिया में 44 एकर्स के एरिया में फैला हुआ है। कैंपस नियरेस्ट देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से 2 घंटे की दूरी पर सिचुएटेड है। बस से ट्रेवल करने के लिए इंटरस्टेट बस टर्मिनल ISBT देहरादून से प्रेम नगर स्टॉप तक की बस ले सकते हैं। यहां से UPES बिधोली कैंपस सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। यह UPES का मेन कैंपस है जो 2003 में स्टार्ट हुआ था। यहां से 22 किलोमीटर दूर कंदोली एरिया में 2015 में UPES का एक और कैंपस एस्टेब्लिश्ड है। कंदोली कैंपस में BBA और MBA स्ट्रीम्स की पढ़ाई कराई जाती है। इंजीनियरिंग की सारी फैसिलिटीज बिधोली कैंपस में ही मौजूद है। बात करें बिधोली कैंपस के एमिनिटीज की तो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई और रिक्रिएशन दोनों के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। मॉडर्न मल्टीमीडिया क्लासरूम, रिसर्च लैब्स, लाइब्रेरी, स्पोर्ट क्लब्स। इंस्टीट्यूट को NIRF 2022 रैंकिंग में ऑल इंडिया में 61st रैंक मिली है। UPES, DISR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक साइंटिफिक और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा भी प्राप्त है। US स्टार यूनिवर्सिटी रैंकिंग में UPES को 4-star एक्रेडिशन से अवार्ड किया गया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग एजुकेशन NBA द्वारा भी एक्रेडिटेड है। UPES अपने तरह का एक यूनिक कॉलेज है, जहां कन्वेंशनल डिग्री के साथ साथ स्टूडेंट अपने पसंद के माइनर एंड मेजर स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। अगर आप BTech कोर्सेज करने UPES में जाते हैं तो BTech के अलावा UPES के अंदर मौजूद 8 अलग अलग स्कूल, जैसे स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा से भी 150+ स्पेशलाइजेशन ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में BTech कोर्स कर रहे हो, साथ में इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट्स का यह यूनिक कॉम्बिनेशन स्टूडेंट को फैंटेस्टिक एक्सपोजर देता है। कॉलेज में स्कूल ऑफ लाइफ नाम का भी एक कॉन्सेप्ट है, जहां लाइफ स्किल्स कोर्सेज पढ़ाई जाती हैं, जो किसी भी इंसान के डेली लाइफ में काम आती हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और इंडस्ट्री एक्सपोजर को ध्यान में रखते हुए कोर ब्रांचेस में कॉलेज में एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट HSE एंड सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड अर्थ साइंस जैसे सब्जेक्ट में BTech की डिग्री दी जाती है। इन सब कोर्सेज में भी अलग अलग सब ब्रांचेस मौजूद हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में प्रोसेस डिजाइन एंड इंटेंसिफिकेशन, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, बायोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, प्रोसेस सेफ्टी, पेंट एंड पॉलीमर्स, अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग गैस स्ट्रीम जैसे सेपरेट सब ब्रांचेस हैं। HSE एंड सिविल इंजीनियरिंग में फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग जैसे सब ब्रांचेस। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग जैसे सब ब्रांचेस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोटिव डिजाइन इंजीनियरिंग सब ब्रांच अवेलेबल है। UPES में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में खास जोर दिया जाता है। स्टूडेंट को अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग अपस्ट्रीम नाम के कोर्स में डिग्री मिलती है, जिसमें वे 3 अलग अलग स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन डेटा मैनेजमेंट, डिजिटल ऑयल फील्ड, इंटीग्रेटेड रिजर्वायर मैनेजमेंट। ये सारे ब्रांचेस UPES के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में आते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के स्ट्रीम के लिए अलग से एक स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस की एस्टेब्लिशमेंट की गई है। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर ब्रांचेस में 13 अलग अलग स्पेशलाइजेशन के साथ BTech डिग्री दी जाती है। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स
इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन चूज नहीं कर सकते। इनके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, DevSecOps, साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स, ग्राफिक्स एंड गेमिंग, बिग डेटा, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ओपन सोर्स एंड ओपन स्टैंडर्ड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फुल स्टैक AI और कंप्यूटेशनल सस्टेनेबिलिटी जैसे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं। CS डिपार्टमेंट की फीस फर्स्ट ईयर में 2,05,000 है, सेकेंड ईयर में यह बढ़कर 2,20,000 हो जाती है, थर्ड ईयर में 2,37,000 और फोर्थ ईयर में 2,54,000 फीस है। इसी तरह नॉन CS ब्रांचेस की फीस भी फर्स्ट ईयर में 1,76,000 है, सेकेंड ईयर में 1,89,000 और थर्ड ईयर में 2,03,000 हो जाती है, फोर्थ ईयर में यह फीस 2,18,000 रहती है। UPES 4 डिफरेंट मोड से इंजीनियरिंग में एडमिशन प्रोवाइड करता है, JEE मेंस, सेट एग्जाम और बोर्ड से एडमिशन के अलावा यूनिवर्सिटी का खुद का एग्जाम UPESCET भी कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जाम में टॉप परफॉर्मर्स को स्कॉलरशिप मिलती है। UPES एजुकेशन फॉर ऑल में बिलीव करता है, इसीलिए अपने इंस्टीट्यूट में कई तरह के स्कॉलरशिप भी ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ मेरिटोरियस स्टूडेंट को एकेडमिक स्कॉलरशिप दी जाती है। जहां गर्ल्स स्टूडेंट के लिए 50% सीट रिजर्व रखी जाती हैं, वहीं होम स्टेट उत्तराखंड से आने वाले स्टूडेंट्स को 33% फीस कंसेशन दिया जाता है। कॉलेज में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप का भी एक सिस्टम मौजूद है, जहां स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप दी जाती है। फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, चेस और एथलेटिक्स जैसे खेलों में 50 सीट्स इस स्कीम में अलॉटेड है। इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतने वाले स्टूडेंट्स को 100% और नेशनल लेवल पर मेडल जीतने वाले को 50% स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आने वाले स्टूडेंट्स को फ्री शिप देने की भी सुविधा है। करंट स्टूडेंट को ही नहीं बल्कि UPES अपने एलिजिबल एलुमनाई को भी आगे के लिए स्कॉलरशिप देता है। हर साल करीब 1900 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। इन सारे मेजर्स से स्टूडेंट्स के लिए UPES काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। हॉस्टल्स, कॉलेज के हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो UPES शेयरिंग बेसिस पे बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। ऑन कैंपस हॉस्टल फैसिलिटी लिमिटेड है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही अवेलेबल है। हॉस्टल की ईयरली फीस 1,80,000 रुपीज पर ईयर है। ये फीस बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के 3-सीटर टाइप एकोमोडेशन के लिए वैलिड है। जिन स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिल पाते उनके लिए कैंपस के बाहर अफोर्डेबल रूम्स और हॉस्टल्स अवेलेबल है। स्टूडेंट्स के खाने का ध्यान रखने के लिए ऑन कैंपस फूड कोर्ट भी अवेलेबल है, जिनमें काफी एक्साइटिंग कुजिन्स और हेल्दी डिशेस मिलती हैं। स्पोर्ट्स, सिर्फ पढ़ाई के मामले में ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के मामले में भी UPES काफी वैल्यू प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स के फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज प्रमोट करने पर कॉलेज का काफी फोकस रहता है। इंस्टीट्यूट वैरायटी ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट और एक्सेल करने के लिए स्टूडेंट को एनकरेज करता है। यूनिवर्सिटी कैंपस में बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड मौजूद है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी शूटिंग प्रैक्टिस और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने आईडी कार्ड का यूज करके कभी भी इन फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हिमालय की पहाड़ियों में सुपरवाइज्ड ट्रैकिंग टूर्स भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। खेल उत्सव UPES का स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, जो हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें UPES के स्टूडेंट के अलावा दूसरे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं और यह एक इंटर यूनिवर्सिटी इवेंट रहता है। UPES एनुअल एथलेटिक मीट और इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाता है। UPES एनुअल कल्चरल फेस्ट ऊर्जा भी ऑर्गेनाइज करता है, तो स्टूडेंट्स को अपने टैलेंट दिखाने की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। 2 दिन तक चलने वाले इस कल्चरल फेस्ट में कई फ्लैगशिप और नॉन फ्लैगशिप इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस कॉलेज फेस्ट के दौरान पूरा कैंपस अलग ही वाइब दे रहा होता है। इस एनुअल यूथ फेस्टिवल में पूरे यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इन फेस्ट के अलावा भी UPES रेगुलर गेस्ट टॉक्स एंड लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करवाता है। हैकाथॉन एंड स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज जैसे इवेंट स्टूडेंट को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए बनाए गए स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज भी UPES के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हैं।
इंस्टीट्यूट में कई डोमेन स्पेसिफिक लेबोरेटरीज मौजूद हैं। केमिकल लैब, डिजाइन लैब और मैकेनिकल वर्कशॉप में मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ बेहतरीन फैकल्टीज भी स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। प्लेसमेंट्स, UPES अपनी पढ़ाई के अलावा प्लेसमेंट के लिए भी काफी जाना जाता है। इंडिया के टॉप रिक्रूटर्स इस कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आते हैं। यूनिवर्सिटी का कैरियर सर्विस डिपार्टमेंट एक प्लेसमेंट सेल है जो इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनर करके यह इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स को कॉलेज में ही आगे के कैरियर के लिए अच्छा एक्सपोजर मिले। कॉलेज वर्ल्ड क्लास पूल ऑफ यंग एंड टैलेंटेड प्रोफेशनल तैयार करने के लिए जानी जाती है और यही कारण है कि रियल वर्ल्ड एजुकेशन और ऑन द जॉब एक्सपोजर के साथ इंडस्ट्री रेडीनेस UPES के स्टूडेंट्स को लगातार शानदार प्लेसमेंट्स दिलाता रहा है। 2021-22 के प्लेसमेंट सेशन में 96% से अधिक यानी करीब 2,570 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली थी। इस सेशन में करीब 700 कंपनीज ने कैंपस विजिट किया था जिनमें वेदांता, सिस्को, अमेजोन, सीमेंस, डिलॉयड और एडोबी कॉर्प जैसे इंडस्ट्री लीडर्स शामिल हैं। एक्सेंचर, AIS, एक्सिबिया, एक्सॉन मोबिल, डेल R&D और नेस्ले जैसी कंपनीज ने भी 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया। UPES का प्लेसमेंट साल दर साल और बेहतर ही होता गया है। 2018 से लगातार पिछले 5 सालों में प्लेसमेंट का परसेंटेज 90% से ऊपर रहा है। हाईएस्ट CTC जो 2021 में 28 LPA रहा था वो 2022 के प्लेसमेंट सीजन में बढ़कर 50 LPA हो गया। नंबर ऑफ रिक्रूटर्स और नंबर ऑफ टोटल ऑफर्स भी हर साल बढ़ते रहे हैं। टॉप 10% एवरेज CTC 10.10 लाख रुपीस रही थी 2022 के प्लेसमेंट सेशन में। पर डे 20+ ऑफर्स आए थे। कई स्टूडेंट्स को मल्टीपल ऑफर्स प्राप्त हुए थे। UPES ने टॉप कॉर्पोरेशंस लाइक IBM, इंफोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, HP, हबूपर, हिल्ती, टाटा पावर, बॉश एंड सिस्को के साथ कोलैबोरेट किया है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड 18 कंट्रीज के 40 पार्टनर्स के साथ भी कोलैबोरेशन की है। इंडस्ट्री एक्सपोजर के चलते यूनिवर्सिटी में 13,000 रिसर्च आर्टिकल्स और 40+ पेटेंट फाइल किए हैं और सिर्फ प्लेसमेंट ही नहीं बल्कि समर इंटर्नशिप में भी UPES का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। कॉलेज में समर इंटर्नशिप मैंडेटरी है। मिनिमम 8 वीक्स और मैक्सिमम 6 मंथ की यह इंटर्नशिप स्टूडेंट को प्लेसमेंट सीजन से पहले काफी शानदार इंडस्ट्री एक्सपोजर प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्री अलाइन ट्रेनिंग पे फोकस करते हुए UPES ने अपने स्टूडेंट्स को अमेजोन जैसी ग्लोबल जायंट में 1.5 लाख रुपीज पर मंथ की इंटर्नशिप दिलाई है। UPES आपके लिए एक ड्रीम इंस्टीट्यूशन साबित हो सकता है। इसीलिए अगर आपको UPES के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन कॉन्टैक्ट मेंटर सेल। अगर आपको UPES से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करें और दिए गए नंबर पे कॉल करें। मेंटर सेल द्वारा प्रोवाइड ये इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तक यह इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। हम जल्दी वापस आएंगे और भी कई कॉलेजेस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेकर। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।